أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक वक्त और मकान मुतय्यन कर रखा था ताकि लोग अल्लाह का नाम ले उन जानवरों पर जो अल्लाह ने उनको अता किया है। बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है और उसी के तुम फरमा बरदार बनो। और ए नबी, बशारत दे दीजिए आजजाना रविश इख्तियार करने वालों को कि जब अल्लाह का ज़िक्र वो सुनते हैं तो उनके दिल कांप जाते हैं और जो मुसीबत उन पर आती है वो सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है वो खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शाइरुल्लाह में शामिल कर दिया है, तुम्हारे लिए इसमें भलाई है। बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो और जब वो उनकी पीठें ज़मीन पर टिक जाएं तो उनसे खाओ, खुद भी खाओ और जो कनात करने वाले लोग हैं उनको भी खिलाओ और जो अपनी हाजत पेश करने वाले हैं उनको भी खिलाओ। इस तरह अल्लाह ताला ने हम सब के लिए मुसख़र कर दिया है ताकि हम उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह के यहाँ ना उसका खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तक्वा पहुँचता है। इसी तरह हमने उसको तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया है ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो जो अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई की है। और ए नबी, एहसान करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये सूरह हज का चौथा रुकू है। आपके सामने आयत नंबर 34 से आयत नंबर 37 यानी चार आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा पेश किया गया है। ये हम सब जानते हैं कि कुर्बानी के अय्याम आने वाले हैं और उन्हीं से मुतालिक इन आयतों को मुंतखब किया गया है। कुर्बानी क्या है? दरअसल ये एक तस्वीरी तालीम है जिसे पढ़े लिखे और अनपढ़ सब पढ़ सकते हैं। वो तालीम ये है कि अल्लाह के यहाँ न खाल पहुँचती है न गोश्त पहुँचता है। वह हुआ युतइमु वला युतअम, वो खाता नहीं है बल्कि वो खिलाता है। अल्लाह ताला ने हर मिल्लत में कुर्बानी का तसव्वुर रखा है और कुर्बानी का जो लफ्ज़ है वो असल कुर्बान से मुश्तक है
क़ुरबा या क़ुरबू के माना नज़दीक होना लुगत में है वह हुआ तकर्रबु इलल्लाहि ताला कि क़ुरबानी वो है जिससे अल्लाह का क़ुरब हासिल किया जाए। कहा जाता है क़र्रबतु लिल्लाहि क़ुरबाना, मैंने अल्लाह के लिए क़ुरबानी पेश की। सूरह माईदा में जैसा कि तज़किरा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र, कि दो बेटों ने क़ुरबानी पेश की, अल्लाह ताला ने उनमें से एक की क़ुरबानी कबूल की और दूसरे की कबूल नहीं की। और उसकी जो असल वजह अल्लाह ताला ने बताई, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला मुत्तकियों की क़ुरबानी को कबूल करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे बेटे की क़ुरबानी कबूल नहीं हुई थी उसके अंदर तक़वा की कमी थी और बदनीयत था। तफ़सीर इब्न कसीर में है कि दो बेटों से मुराद हाबील और काबील है, जिनकी क़ुरबानी कबूल हुई थी वो हाबील हैं और जिसकी क़ुरबानी कबूल नहीं हुई थी वो काबील है। क़ुरबानी हम लोग करते हैं और जिस मुल्क में हम रहते हैं हमारे ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो क़ुरबानी होती है वो रहम के ख़िलाफ़ है, यानी इन लोगों के अंदर रहम नहीं है, ये लोग ज़ालिम हैं, ज़ुल्म करते हैं। पहले ज़रा हम इस पर गौर करें कि ज़ालिम कौन है। जो कौम अल्लाह ताला को मानती है, चाहे ईश्वर की शक्ल में, चाहे गॉड की शक्ल में और चाहे अल्लाह की शक्ल में, अल्लाह को सब रहमान मानते हैं, रहीम मानते हैं, मर्सीफुल मानते हैं, कृपाशील और अत्यंत दयावाल मानते हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला की फेल को हम देखें, ईश्वर के फेल को हम देखें कि दुनिया के अंदर वो कैसे कैसे काम अंजाम दे रहा है और किन किन लोगों के ज़रिए अंजाम दे रहा है। हम सबसे पहले हवा में देखें कि हवा में बाज है, शिकरा है, चील है और ये शिकारी जानवर हैं। शिकारी जानवर कमज़ोर परिंदों पर, कीड़ों मकोड़ों पर हमला करते हैं और उनको अपनी खुराक बनाते हैं। हर किस्म की घास मौजूद है, उम्दा से उम्दा मेवा मौजूद है, लेकिन उसको नहीं खाते हैं। आग को हम देखें कि परवाने आग में जाकर के भस्म हो जाते हैं। पानी में हम देखें कि पानी में किस कदर खूंखार जानवर मौजूद हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल और बड़ी बड़ी मछलियाँ, जो छोटे छोटे जानवर, छोटी छोटी मछलियों को वो खुद खा जाते हैं। यानी जितने छोटे आबी जानवर हैं, बड़े आबी जानवर उनको खा लेते हैं। ज़मीन पर हम देखें कि बंदर को चीता मार के खा जाता है, बिल्ली को शेर, हम बिल्ली पर शेर हमला करता है, चूहे को बिल्ली खा जाती है और शेर और तेंदुए की गिज़ा को सब जानते हैं कि वो किसको अपनी गिज़ा बनाते हैं। यानी दुनिया में हर बड़ा छोटे को अपने दबाव में रखता है और उसको अपना निशाना बनाता है। और ये जो कुछ हो रहा है कि शेर हिरन पर हमला करता है, क्या इसको कोई जालिम कहता है? बिल्ली चूहे को शिकार बनाती है, क्या बिल्ली को कोई जालिम कहता है? शिकरा कमज़ोर परिंदों को और कीड़े मकोड़ों को शिकार बनाता है, क्या उसको कोई जालिम कहता है? तो फिर इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, वो अपने से कमज़ोर जानवर को ज़बा करता है, वो कैसे जालिम हो सकता है? इंसान के जिस्म में जो जुएं पड़ जाती हैं उसको कितनी बेबाकी के साथ हलाक करने की कोशिश की जाती है। इंसान की अगर कोई उंगली ख़राब हो जाए, सड़ने लगे, तो उसको काट करके निकाल दिया जाता है, इसलिए कि ये सड़न पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगी। तो सारे जिस्म को बचाने के लिए उस उंगली की कुर्बानी दे दी जाती है।
तो कुर्बानी अगर रहम के खिलाफ होता, ज़बा करना रहम के खिलाफ होता, तो अल्लाह ताला गोश्तखोर जानवर को ना पैदा करता, शिकारी जानवर को ना पैदा करता। और अगर ईद उल अज़हा ही के मौके पर ये रहम के खिलाफ काम है, तो अगर अल्लाह इनको छोड़ ही देता यानी ज़बा ना करवाता, तो एक ना एक दिन ये खुद ही मरते। तो ये उसूल निकला कि हर अदना चीज़ आला के मुकाबले में कुर्बान होती है, हर कमज़ोर चीज़ ताकतवर के मुकाबले में कुर्बान होती है। इस पर यह भी एतराज़ किया जा सकता है कि फ़ी नफ्सी, इंसान का ज़बह होना भी जायज़ हो सकता है। जी बिल्कुल जायज़ हो सकता है, इसीलिए इंसान के लिए शहादत का मकाम बहुत बड़ा है। लेकिन इंसान को ज़बह नहीं किया जाता है, उसकी भी बहुत बड़ी वजह है और बहुत माकूल दलील है कि दुनिया में जितने मखलूक हैं उनमें इंसान सबसे अफजल है। और इंसान को उन चीज़ों के लिए कुर्बान होना ये सही नहीं है, और उससे बड़े यानी अल्लाह के लिए ज़बह होना ये उसके लिए बाइस सवाब है। इंसान अपने यानी इंसान जानवर के लिए ज़बह तो नहीं हो सकता है, लेकिन इंसान अपने से आला यानी अल्लाह के लिए उसका ज़बह होना ये बाइस सवाब है। तो हर अदना चीज़ आला के मुकाबले में कुर्बान होती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी करना ये रहम के ख़िलाफ़ है, तो आयतों से हट करके अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं, तो ये बात वाज़े हो जाती है कि कुर्बानी करना, ज़बा करना ये रहम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि यही आयनत मुक्तज़ी है और यही हमारे लिए बेहतर है। अगर ये चीज़ ये ज़बा करना ज़ुल्म है, तो शेर का अपनी खुराक हासिल करना भी ज़ुल्म है। जो फाड़ खाने वाले दरिंदे हैं उनको अपनी चीज़ें इस्तेमाल करना ज़ुल्म है, लेकिन किसी चीज़ को कोई ज़ुल्म नहीं कहता है। सिर्फ और सिर्फ इंसान पर एक दूसरा इंसान इसलिए इल्ज़ाम लगाता है कि वो एक शरीयत से जुड़ी हुई बात है। कुर्बानी की जो सूरत हमारे सामने है, ये सूरत बदलती रही है, लेकिन इसका जो मकसद है वो तकर्रुब इलल्लाह है, और ये हर ज़माने में हर मिल्लत में पाई जाती रही है। तो तकर्रुब इलल्लाह असल है, अल्लाह से कुर्बत हासिल करना, इसके लिए कुर्बानी का हुक्म दिया गया है। और हम सब ये जानते हैं कि ये वाकया क्या हुआ था और किस तरीके से हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब हुई है, जिसको आज हम करते आ रहे हैं। और कुर्बानी जो हम करते हैं, ये जो आयतें तिलावत की गई हैं उनके अंदर ये बताया गया है कि कुर्बानी बज़ाहिर उस चीज़ का नाम नहीं है कि जानवर हम ज़बह करके खा जाएं, नई नई डिश तैयार करके चटखारे लगाएं। कुर्बानी इसका नाम नहीं है कि अच्छे बकरे ख़रीद कर लाएं और रिया और नमूद के तौर पर हम उसको कब्रिस्तान ले जाएं, जगह जगह ले जाएं, टहलाएं। बल्कि कुर्बानी के बहुत बड़े मकासद हैं जो इन आयतों में बयान किए गए हैं, और बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, बहुत बड़ी हिकमत है जो अल्लाह ताला ने इन चार आयतों के अंदर बयान किया है। सबसे पहला मकसद कुर्बानी का है हुसूल तक्वा, कि कुर्बानी जो लोग करते हैं उनके अंदर तक्वा का मादा कितना पैदा हो रहा है। क्योंकि अल्लाह के यहाँ ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, सिर्फ़ और सिर्फ तक्वा पहुँचता है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं और उस नमाज के ज़रिए हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती है, तो गोया कि वो नमाज हमारी काबिल कबूल नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर हम कुर्बानी करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, और उससे हमारी रूह में इजाफा नहीं होता है, रूहानी कैफियत नहीं बनती है, तो गोया कि खून बहाना
یہ ضائع کرنا ہے، تقویٰ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ قربانی کا دوسرا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ خود بھی انسان کھائے اور دوسرے کو بھی کھلائے۔ اور یہ ہمدردی صرف اور صرف یہیں پر محدود نہیں ہے کہ ہم بھینسا ذبح کریں، بکرا ذبح کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، بلکہ اس کا اہم سبق یہی ہے کہ کوئی بھی کسی کی ضرورت ہو، جو چیز ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قربانی کا تیسرا مقصد اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اطاعت الہی اور ترک خواہشات، کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو مان لینا اور خواہشات جو ہیں اس کو ترک کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوری زندگی دعوت میں اللہ کے لیے وقف کیا ہے، یہ قربانی کی صورت ان سے جا کر کے جڑتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے اور بلا چوچرا انہوں نے تسلیم کر لیا، گھر سے انہیں بھگا دیا گیا، وہ اس پر تیار ہو گئے۔ کبھی مصر جا رہے ہیں، کبھی ترکی جا رہے ہیں، کبھی فلسطین جا رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو یہ قربانی کی جو صورت ہمارے سامنے بظاہر دکھتی ہے، یہ تو اصل صورت ہے۔ عبادت اصل یہ ہے کہ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر کیا تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ترک خواہشات، خواہشات کو ترک کرنا، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، کہ اگر اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان کے لوگ اور تمہارے وہ اموال جن کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے اور تمہاری وہ تجارت جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اگر یہ سب اللہ کے مقابلے میں محبوب ہیں، اس کے رسول کے مقابلے میں محبوب ہیں، اس کے راستے میں نکلنے کے مقابلے میں محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اب اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اطاعت الہی ہمارے اندر پیدا ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے ایمان میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ وہ بات کیا ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے قربانی کرتے وقت؟ قربانی ہی نہیں، ساری عبادات کا ہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ ایک قربانی نہیں دسیوں قربانی کر ڈالیں، اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا۔ جو اللہ کا حکم ہے اطاعت الہی، وہ آپ کہاں کہاں فالو کر رہے ہیں؟ آج یہاں یہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے اور بہت سارے احکامات ہیں جو ہمارے لیے فرض اور واجب کے درجے میں ہیں، ان کو بہت آسانی کے ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ قربانی کا چوتھا مقصد ہے، چوتھا سبق ہے
अहमियत वक्त, कुर्बानी जो होती है वो एक ख़ास मौके पर होती है और तमाम इबादात एक वक्त के साथ मुतय्यन है और वक्त ही में उसको किया जाता है। जहाँ जब ज़रूरत हो वहाँ के लिए हम तैयार हों। अगर तकाजा इस बात का है कि हमें फील्ड वर्किंग में निकलना है, हमें लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, वहाँ हम खड़े हो जाएं। अगर तकाजा इस बात का है कि हमें कोई तंजीम या कोई मीटिंग करनी है जिसके ज़रिए हमें लोगों के अंदर रूह फूंकनी है, तो ये उस वक्त ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है और सबसे अहम मकसद है। अगर हमारे अंदर तालीम की कमी है और हमारे पास वक्त नहीं है, तो सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि हम उस तालीम को हासिल करें। कुर्बानी का पांचवा सबक ये है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हम उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। आज खर्च करने से मुराद हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो माल हमारे पास है उसको हम राह खुदा में दे दें, जबकि खर्च अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से मुराद ये है कि जो कुछ आपके पास है, आपके पास अगर तालीम है तो वो तालीम आप लोगों पर खर्च करें, आपके पास अच्छे अच्छे मशवरे हैं, आप साहिबुर राय हैं, आप सही मशवरा दूसरों को दें, आपके पास वक्त है आप वक्त दूसरों को दें, आपके पास जगह है वो जगह आप दें, आपके पास कोई और काम है, ये सब के सब इन्फाक फी सबीलिल्लाह के अंदर आता है। तो जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, आज हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम टाइम निकाल करके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग हो करके अल्लाह के लिए देते हैं, ये असल कुर्बानी है, ये अल्लाह का हम तकर्रुब हासिल करने के लिए कर रहे हैं। आज हम लोग हफ्ते भर में एक मरतबा जमा होते हैं और वक्त निकाल करके फारिग हो करके बैठते हैं कि हम कुछ सीखेंगे, ये हम कुर्बानी दे रहे हैं। छोटा भाई बड़े भाई के लिए कुर्बानी देता है, बाप बेटे के लिए कुर्बानी देता है, बेटा बाप के लिए कुर्बानी देता है, इसलिए कि हम बाप के करीब हो जाएं, और बेटा ये चाह और बाप ये चाहता है कि बाप बेटा हमसे मोहब्बत करे। तो सब सबका दारोमदार तकर्रुब पर है, और कुर्बानी की जो सूरत हम लोगों ने आज बना रखा है ये एक तरह से फैशन है। शौक से जाते हैं बकर मंडी से मनपसंद हस्ब इस्तेताद जानवर लाते हैं, ज़बह करते हैं, ऐशो आराम से खाते हैं। क्या हमने कभी ये गौर किया कि जो कुर्बानी हमने किया है और जो अहद पैमान अल्लाह से लिया है कि सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? कुर्बानी का छठा मकसद ये है कि ये आज हम जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं, पैसे की कुर्बानी दे रहे हैं, यही अगर कल औलाद की कुर्बानी मांगी जाए, अपनी कुर्बानी मांगी जाए जिस तरीके से अंबियाए किराम ने दी है, सहाबे किराम ने दी है, खुलफाए राशिदीन ने दी है, उस तरीके से हम भी देने के लिए तैयार रहेंगे। क्या हमारे जहन में ये बात आती है कि हम इस तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं? ये कुर्बानी जो असल हम लोग करते हैं, ये हमारी मेहमानी है अल्लाह की तरफ से कि एक अच्छा खासा गोश्त इस दिन में हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी शादी के मौके पर कोई खाता पीता हो, लेकिन जिस तरीके से फरावानी के साथ चाहे मालदार हों चाहे गरीब हों सबको मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से है।
कुर्बानी का सातवां मकसद ये है कि वो जिद्दोजहद के लिए शरई एतबार से हमेशा तैयार रहे। इसलिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं समझदार हैं, हरकत ही में बरकत है, ज़रब यज़रिबु ज़रबन, इसके माना मारने के हैं। और कुर्बानी का खून जब बहता है तो एक मुसलमान का खून गर्म होता है। अगर कभी हमारी औलाद के खून बह जाए, कभी इस्लाम के खिलाफ हमें अपना खून बहाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए हम तैयार रहें। ये असल कुर्बानी का मकसद और कुर्बानी का पैगाम है और कुर्बानी का फ़लसफ़ा है। ऐसे ही हम जब तक ज़िंदा रहेंगे अपनी तरफ से भी करेंगे, माँ बाप की तरफ से भी करेंगे, बच्चों की तरफ से भी करेंगे। एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, उसका सवाब हमें मिलता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जो असल ये जो तालीम दी गई है कुर्बानी की, क्या वो रूह हमारे अंदर पैदा हो रही है? कुर्बानी का मकसद इज्तिमाई है और ज़ाती है। इज्तिमाई यही है कि हम एक दूसरे को अपने कुर्बानी में शरीक करें, गोश्त खाएं और खिलाएं। और ज़ाती मकसद ये है कि अल्लाह के नज़दीक हमारा मकाम बुलंद हो। ये चीज़ हमारे अंदर आज पैदा क्यों नहीं हो रही है? उसकी असल वजह ये है कि हम लोग मकसद को और पैगाम को और सबक को नहीं समझते हैं। फजीलत पर हम ध्यान देते हैं कि हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी, यकीनन मिलेगी, लेकिन जब हमारी नियत क्या हो? अल्लाह की रज़ा के लिए। ज़बान से तो कहते हैं सीन काफ सब दुरुस्त है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम हम कर रहे हैं, लेकिन जहां अल्लाह की बात आती है क्या उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे? हालांकि अभी तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आ चुके हैं, परेशानियों ने उनको झिझोड़ दिया है, ऐसी ऐसी तकलीफ आई है कि कदम डगमगा गए हैं, यहां तक कि वक्त का रसूल भी ये कहने लगा है मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो कुर्बानी का दरअसल जो तसव्वुर है वो हम अपने ज़हनो दिमाग में पैदा करें कि ये साल में जो एक मरतबा हम ज़ाहरी तौर पर ये कर लेते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर लेते हैं, बातिनी तौर पर हम कितना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं। और उन्होंने शिर्क व बुत परस्ती के लिए, दावत व तबलीग के लिए जो मिसाल पेश की है, एक अजीम मिसाल है। कुरान अजीम में अगर ये वाकया दर्ज ना होता तो शायद कि आज कोई इसको मानता भी नहीं। तो असल ये वाकया अल्लाह तबारक व ताला हर मिल्लत में इस तरीके के वाकयात यानी कुर्बानी का तसव्वुर रखा है कि कहीं पर गल्ला के ज़रिए, कहीं पर मेंढक के ज़रिए, कहीं पर किसी चीज़ के ज़रिए, लेकिन सबका मकसद यही है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। और मिल्लत इब्राहिमी में, उम्मत मुहम्मदिया में कुर्बानी का तसव्वुर ये है कि वो एक बकरा ज़बा करे, ऊँट ज़बा करे। कुर्बानी के आठ जानवर हैं, दो गाय के, दो ऊंट के, एक बकरा और एक मेंढक भेड़। गाय और ऊंट ये चार जानवर हैं जो कुर्बानी की जाती हैं, और भैंस ये बकर ही के अंदर शामिल है, गाय के अंदर ही शामिल है। तो इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने ये बातें बताई हैं कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया है। और मकसद क्या है? ताकि अल्लाह
का नाम ले उन जानवरों पर जो अल्लाह ने उनको दिया है। जमाने जाहिलियत में लोग कुर्बानी करते थे, जब तवाफ़ करते थे, हज करते थे तो कुर्बानी करते थे, लेकिन अल्लाह के नाम पर नहीं करते थे। अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म दिया लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम कि अल्लाह के दिए हुए जानवर पर अल्लाह का नाम लीजिए, इसलिए कि वही तुम सब का एक माबूद है और वही माबूद के लायक है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि वबशिरिल मुखबितीन, खब्द कहते हैं पस्त ज़मीन को और खबीत उस शख्स को कहा जाता है जो अपने आप को हकीर समझे। मुफस्सिरीन किराम ने मुखबितीन की तफसीर मुवाज़ईन से की है कि जो अपने आप को झुका करके रखते हों, यानी अल्लाह के आगे सरनिगो होने वाले हों, कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता हो वजलत कुलूब हो। वजलत के असल माना है उस हैबत के जो किसी अजमत और किसी बड़ी चीज़ की वजह से हो, और अजमत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। वसाबरीन आला मा असाबहुम, और जो मुसीबत आए उन पर वो सब्र करते हों, नमाज कायम करते हों, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है सदका और ज़कात देते हों। फिर आगे अल्लाह ने ऊँट का तज़किरा किया है कि ये शाइरुल्लाह में से है, कि अल्लाह की निशानी में से है। हम मुसलमान आज जो कुर्बानी करते हैं वो एक रस्म अदा करते हैं, एक फैशन है, एक फॉर्मेलिटी है। हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करें और जो मकासिद और जो हिकमतें बयान की गई हैं उन पर हम संजीदगी से गौर करें, और जो एतराज़ गैरों की तरफ से होता है उसको भी हम गहराई से समझें। इसलिए कुरान की ज़बान में हम बात करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम इस तरीके से समझाएंगे जिस तरीके से शुरू में बताया गया है तो बात उनके भी समझ में आएगी, क्योंकि हर शख्स जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबाता है, और हर अदना चीज़ आला के मुकाबले में कुर्बान होती है। तो कुर्बानी के जो अय्याम हैं इनमें हम अपने अंदर ईमानी याद को ताज़ा करने के लिए सीरत इब्राहिम का मुताला करें, सूरह हज का मुताला करें, सूरह साफ़ात का मुताला करें। उससे हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के करीब हम कैसे हो सकते हैं। और याद रखिए, ज़ाहिरी सूरत से हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल सकता है, अगर मिलना होता तो अब तक मिल गया होता, इसलिए कि हमारी नियत और खुलूस होती तो है ज़बान से। जैसे पहले लोगों के बारे में कहा गया है, मुनाफिकीन के बारे में ये बात कही गई है, यकूलून बि अफवाहिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, कि वो बात जो अपने मुंह से कहते हैं दिलों के अंदर नहीं होती। ठीक यही हाल हम मुसलमानों का भी होता जा रहा है कि ज़बान से तो हरदम क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बात होती है, लेकिन दिल इन तमाम बातों से खाली होता है। तो हम अपने ईमान को ताज़ा करें, कुर्बानी के जो मकासद हैं उनको भी हम पढ़ें, और जिन सूरतों के बारे में बताया गया है उनका मुताला करें। तो इससे बात हमारे समझ में आएगी कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, और जो हालात हमारे सामने हैं उनमें हम कितना कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वो भी अल्लाह के लिए। हमारे ऊपर जो हालात आए अल्लाह के लिए हम कितना कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम लोगों को कुर्बानी के जो मकासद हैं और जो पैगाम हैं हमें उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप की और अपने माल की औलाद की कुर्बानी पेश करने की तौफीक अता फरमाए।